Now, let us discuss indicators on page number 47 of your book. Now, indicators. We know that acids are sour while bases are bitter in taste. हमें पता है कि acids का taste कैसा है sour और जो bases हैं इनका taste कैसा है bitter. But we cannot taste all substances to find whether they are acidic or basic in nature. लेकिन हम सभी substances को taste करके ये check नहीं कर सकते कि वो acid है या base है. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ substances हमारे लिए harmful हैं, हमें harm कर सकते हैं. Now the question arises, how do we find nature of any substance without tasting it? हम किसी चीज़ को टेस्ट किए बिना कैसे उसके नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है? Now question, do not taste anything unless asked by your teacher और एल्डर्स. जब तक आपके टीचर्स या एल्डर्स आपको किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे. देन डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. जब तक आपको किसी चीज़ को टच नहीं करने के लिए कहा जाएगा वाइल यू आर इन लेबोरेटरी, तब तक आप किसी चीज़ को टच भी नहीं कहेंगे. नाउ इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन. एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. तो इंडिकेटर्स ऐसे स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो हमें अलग अलग कलर बताते हैं एसिड में या बेस में. ठीक है. दस दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो हम इन्हें कहाँ इंडिकेटर्स को कहाँ यूज़ करते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, जो सब्सटेंस का नेचर है वो कैसा है. दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स. तो इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स. ठीक है. इंडिकेटर्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है. ये इंडिकेट करते हैं हमें. हाउ डू इंडिकेटर्स वर्क? ये कैसे वर्क करते हैं? व्हेन इंडिकेटर्स आर एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस दे चेंज देयर कलर. तो इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं? जब हम इंडिकेटर्स ऐड करते हैं किसी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं. टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, रेड कैबेज जूस आर सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स. तो ये हमारे क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एंड रेड कैबेज. Then phenolphthalein and methyl orange are some examples of human-made indicators. Phenolphthalein और methyl orange कैसे हैं? Human-made indicators हैं. Now let us discuss litmus as an indicator. The most commonly used natural indicator is litmus. जो most commonly used natural indicator है ये litmus है. It is a dye extracted from lichens. लीचन से एक डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो ही क्या है? लिटमस है. द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इन डिस्टिल्ड वाटर इज मॉव पर्पल इन कलर. ठीक है. तो जो इसका सॉल्यूशन है डिस्टिल्ड वाटर में वो पर्पल कलर का होता है. दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होता है. हाउ डज अ लिटमस सॉल्यूशन वर्क? अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है. When neutral litmus solution is added to an acidic solution, it turns red. जब हम neutral solution में litmus solution में acid add करते हैं, acidic solution add करते हैं, तो ये red हो जाता है. और जब हम neutral litmus solution में basic solution add करते हैं तो ये blue color का हो जाता है. Then when neutral litmus solution is added to a neutral solution, it doesn't change its color. और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन के अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो कोई भी कलर चेंज हम ऑब्जर्व नहीं करते. लिटमस सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. तो अगर आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो ये हमें दो कलर्ड सॉल्यूशन में मिलता है या दो कलर्ड पेपर्स में भी मिल सकता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. To make blue litmus solution, a few drops of base are added to neutral litmus solution. तो blue litmus solution बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ drops जो है base की add कर देते हैं neutral litmus solution में
और रेड लिटमस सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कुछ ड्रॉप्स एसिड की ऐड कर देते हैं न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन में। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन पेपर स्ट्रिप्स, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो यहाँ पर जो पेपर है ये शो किया हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या लिया, ब्लू, ठीक है, और इसको जब हम एसिड के अंदर डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लोअर पार्ट इसका क्या है, रेड कलर का। हमने डाला कौन सा पेपर था, फुल पेपर, ये पहले ब्लू था, जब हमने इसको एसिड में ऐड किया तो जितना हम इसको डिप करेंगे एसिड में उतना ही ये क्या हो जाएगा, रेड। देन बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये हमारा क्या है, रेड लिटमस पेपर। जितना हम इसको डिप कर देंगे बेस के अंदर उतना ही ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। देन एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये भी आप लर्न करेंगे, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ए बी आर। देन बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बी आर बी, ए बी आर एंड बी आर बी, इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। देन टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मरिक प्लांट। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें टर्मरिक प्लांट से मिलता है। इट इज़ यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर, ये हम टर्मरिक पेपर की फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं। वी कैन प्रिपेयर टर्मरिक पेपर एज फॉलोज, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हमने टेबल स्पून लेना है एक टर्मरिक पाउडर का, एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड मेक अ पेस्ट, इसके अंदर थोड़ा सा एल्कोहल ऐड करना है और एक पेस्ट बना लेना है। स्प्रेड द टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर पे हम टर्मरिक पेस्ट लगाएंगे और इसको ड्राई होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मरिक पेस्ट प्रिपेयर किया है एक बॉल में, स्पून से इसको स्टिर किया है, तो हमने टर्मरिक के अंदर क्या ऐड किया है, अल्कोहल, और उसको फिर एक पेपर पे, फिल्टर पेपर पे या ब्लॉटिंग पेपर पे हमने पेस्ट को लगा देना है और उसको ड्राई होने देना है। द येलो पेपर दस ऑब्टेन्ड इज टर्मरिक पेपर, कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द टर्मरिक पेपर, यू कैन यूज दिस थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर एज एन इंडिकेटर। तो ये जो येलो पेपर हमें मिला है यही टर्मरिक पेपर है, इसके थिन स्ट्रिप्स को कट करके हम टर्मरिक पेपर एज अ टर्मरिक पेपर यूज़ करेंगे और एक इंडिकेटर की तरह ये काम करता है। बेसिस टर्न येलो टर्मरिक पेपर रेड, ठीक है, तो येलो टर्मरिक पेपर है जो हमने प्रिपेयर किया है, अगर इस पे बेस ऐड होगा तो ये रेड कलर का हो जाता है। एसिड्स एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक शुगर सॉल्यूशन शो नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, ठीक है, तो जो एसिड्स है और न्यूट्रल सब्सटेंसेस है वहाँ पर आप इसका इफेक्ट नहीं देख पाओगे। सो येलो टर्मरिक पेपर जो है ये सिर्फ बेसिक सॉल्यूशंस को ही आइडेंटिफाई करता है, बेसिस को ही आइडेंटिफाई करता है। देन टर्मरिक इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज्ड व्हाइल मेकिंग करी, यू माइट हैव नोटिस दैट येलो टर्मरिक चेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट टर्न रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद अ सोप। तो आपने ज़रूर देखा होगा बच्चों ये कि टर्मरिक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है एक, जो हम करी बनाने में यूज़ करते हैं या वेजिटेबल्स जब हम प्रिपेयर करते हैं इन किचन्स तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि येलो टर्मरिक स्टेन जो है करी का वो वाइट शर्ट पे अगर है तो रेड हो जाता है जब हम इसे वॉश कर देते हैं सोप से। सोप क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, तो जब ये टर्मरिक से रिएक्ट करते हैं तो रेड कलर का स्टेन हमें मिलता है। दिस इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर एंड दैट चेंजेस द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टू रेड।